नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम एक ऐसे कलाकार से की गई बातचीत आपको दिखा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पंडित जी की बातें, पंडित जी की यादें इतनी अनमोल हैं कि हमने इस इंटरव्यू को दोबारा दिखाने का फैसला किया। इस बातचीत में पंडित जी से मेरा अगला सवाल ये था कि वो अपने घराने यानी सूफियाना घराने के बारे में बताएं। देखिए, सूफी परंपरा में सबसे बड़ी है इबादत, सच्चाई, ईमानदारी, डेडिकेशन, डिवोशन, प्योर चिंतन, साधना। हमारे बुजुर्ग जितने भी थे, मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि भाई वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थे, नहीं थे। हालांकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को तो बहुत बड़ा लैंड जागीर में मिला था, वो जाते भी नहीं थे वहाँ। उन्होंने बताया था कि जिन जहाँ से मिला कि भाई एक कुटिया बना देना, हम लोग वहाँ आया करेंगे। वहाँ सारे पीर फकीर उसी जगह आते थे, सारे दरवेश वहाँ होते थे जिनके लिए उनका गाना बजाना ज़्यादा होता था। आम जनता को वो कहते रहे आना है तो वहीं आ जाओ। ये सूफी परंपरा में आप देखेंगे, बाकी घरानों में भी यही है कि जब वो बैठक में जाते हैं तो वो देखते थे कौन कौन है, अगर कोई नया चेहरा है, हाँ भाई कहाँ से आए, पूछताछ करते थे ये जानने के लिए कि क्या ये अप्रिशिएट करेगा इस म्यूज़िक को कि नहीं। थोड़े से हार्डकोर थे वो उस हिसाब से, एक हिसाब से अच्छा है, एक हिसाब से आजकल के वक्त में अच्छा नहीं है, पॉपुलरिटी उसे रुक जाती है, लेकिन उनका अपना सोच था। तो वो भी विरसा मुझे मिला जिसमें पहली बात ये है कि तुम अगर कर रहे हो क्यों और कैसे, ये बताओ भाई जो भी चीज़ तुम कर रहे हो। यानी अगर मैं आता हूँ, कोई तान आता हूँ मैं, तो आपको जस्टिफाई करना है क्यों, यही क्यों। या कोई कंपोजिशन आप आ गए, वो पूछे क्यों भाई, इसमें आपने क्या देखा, जो बात, यानी वो सिस्टम जानना चाहते हैं आपके कंपोजिशनल वर्ल्ड का, आपकी म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग का, आपकी एनालिसिस का, आपकी डेप्थ का। देखिए, शारंगदेव साहब ने कंपोजर को क्या डिफाइन किया है, कंपोजर वो कहते हैं कि वो है जिसको सारा सोशल सेटअप पता हो, जिसको रीजनल संगीत पता हो, जिसको कंट्री के संगीत की शैलियाँ पता हो, जिसको वर्ल्ड म्यूजिक पता हो, जिसको लिटरेचर पता हो, जिसको रस्म रिवाज हर चीज़ पता हो, वही कंपोजर बन सकता है। उस हिसाब से तो बड़ा बड़ा मुश्किल है ये टर्म, है ना, उसको आप उस जगह तक पहुंचना, पर पहुंचने वाले पहुंचे हैं। हमारे फिल्म जगत के ऐसे भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिनमें ये परफेक्शन था, जिनकी मुझे लगता है कि हज़ारों जो गाने, लाखों गाने अब तक जो आए हैं, ये सरमाया है, एक बहुत बड़ा उन लोगों की ताकत थी। उन्होंने स्टडी किया था, स्ट्रगल किया था, जानकार थे, इल्म था, हुनर था, कसब था, मेहनतकश थे और हासिल किया। तो ये बड़ा बहुत ही ज़रूरी है, यही परंपरा हमारी में थी कि भाई आप कर रहे हो, आपने जो भी चीज़ की उसका कोई रीज़न होना चाहिए। और तभी जब मेरी परवरिश हुई तो मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने ज्ञान तो दिया ही, जितना थोड़ा बहुत मैं ले पाया, लेकिन कुछ चीज़ें जो विरसे में मिलती हैं, मतलब ये था कि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे बारे में कोई ये ना कहे कि भाग्य का खाता है। हाँ, ये बोले भाग्य ने नहीं दिया, ये नहीं कहे भाग्य का खाता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए, मुझे लगता 90% लोग तो भाग्य का ही खा रहे हैं। कितने परसेंट है जिनकी वाकई इबादत है, जिनको उतना ज्ञान है, जो उसमें रचे हुए हैं, मतलब उसी में गुल मिल गए हैं, बहुत कम है। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मैं ये करूँ, टिप्पणियाँ करूँ कि ऐसा वैसा, कि हर अपनी की प्रायोरिटी है, हर आदमी अपने ढंग से जीता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या हो जाता है कि एक बैड कंपोजर, एक बैड म्यूजिशियन उतना एटम नहीं डैमेज करेगा, जिसे हम कहें कि एटम लाख को मारेगा, 10 लाख को मारेगा, लेकिन आपका बैड, जो इससे कहें कि बुरा संगीत, बुरी रचनाएं जनरेशन्स टू जनरेशन्स ख़त्म कर देती हैं, आपका सारा हुलिया बदल डाल देंगे, ये कितना डेडली है, ये नहीं होना चाहिए। तभी मैं बार बार हर जगह यही कहता हूँ कि हमारे नेशन में ईश्वर की देन है, एक से एक लीजेंड्स गुजरे हुए हैं, एक से एक बढ़कर हमारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, पेंटर्स हैं, क्या क्या नहीं है यहाँ, फिलोसोफर्स हैं, एक से एक बढ़कर। लेकिन अभी हम लोग आर्ट की दुनिया को परखे नहीं हैं और आर्ट से जुड़े हुए लोगों की इज्जत नहीं करना जानते। आप ये मैं वाजे करके बता रहा हूँ, बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि जो सोसाइटी अपने इस रिच हेरिटेज को पहले ना पहचाने और उसको प्लेसमेंट अपर ना दे, बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है।
वाकई ही प्रॉब्लम्स, अगर आप इसको साइकोलॉजिस्ट को दे देंगे और उनको बोलेंगे इसके एनालिसिस कर लो, वो देखिए कि क्या वॉल्यूम्स इसके बारे में लिखें कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से हमें डिविएट नहीं करना होता है ट्रेडिशन, क्योंकि डिविएशन तभी आ जाती है जब आप में लगन नहीं, जब आप में सलाहियत नहीं, जब आप में त्याग का जज्बा नहीं, तो आप डिवेट कर जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। पर शास्त्रीय संगीत या कोई भी प्योर संगीत, चाहे फोक ही क्यों ना हो, वो ये सारे शॉर्टकट्स मानता नहीं है, चमक दमक नहीं मानता। ज्ञान, आपका रियाजत, आपका चिंतन, आपकी साधना, आपका सेक्रीफाइस, और तभी आपके वर्ड्स में वो थ्रो आता है, आपके गाने बजाने में थ्रो आता है, क्योंकि जब भी आपके आप में वो बस गया होगा तभी छलकेगा आपके सांस पर, अदरवाइज नहीं छलकेगा। पंडित जी, मैंने पढ़ा कि आपने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है, वो तजुर्बा कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बड़ा ही रियर, आपको अच्छी देर ये दास्तान लगेगी। मैं जब मुझे एडमिशन हुआ वहाँ ग्रेजुएट स्कूल में, मैं वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं जानता था, एक लफ्ज नहीं। मैंने एक कंपोजिशन भेज दी, तो वहाँ जो चेयरमैन थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजरी थी वो, सेंट लुइस मिजरी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मिजरी में, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको बुलाओ, और मेरा एडमिशन हो गया। मेरा जितना भी मुझे याद है उन दिनों 1500 या $1600 फी रहा करता था, बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त, तो सारा रिमिट कर दिया गया, मुझे टीचिंग असिस्टेंट बनाया गया ताकि मुझे कुछ वहाँ मिले। और उन्होंने कहा कि आप काम करिए, कंपोजिशन को स्टडी कर लो। और मेरा भी दिल था कि मैं कंपोजिशन की बारीकी को जानूं, क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तो बजाता था, कंपोजिशन करता भी था, लेकिन मैं अंधेरे में नहीं तीर चलाना चाहता था कि लग गया ऐसा नहीं। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये सिस्टम है, और वो सिस्टम उनका साइंटिफिक है, उनका मुकाबला कहीं नहीं। वो जो कंपोजर्स हैं वो तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, सीधी सी बात है, इतने ब्राइट हैं जैसे मोजार्ट हैं या बेथोवन हैं। उस चीज़ को जानने के लिए मैं गया था कि मैं भी थोड़ा सा ज़रा मुझे ये मिले कि प्रोसेस क्या है। ईश्वर की कृपा ये थी कि मेरा वहाँ जो मेल हो गया वहाँ के कंडक्टर्स से, वहाँ कंपोजर्स जो उस वक्त कंटेम्पररी थे, और जो बाकी स्टूडेंट म्यूज़िक स्टूडेंट्स थे या मुझसे जो सीखने लगे, तो एक ऐसा माहौल था कि मैं उसके काफ़ी क्लोज चला गया कि क्या क्या कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये कंपोजिशन, अगर आ रही है किसी ने ये लिखा, क्यों लिखा है, क्या चीज़ क्या दर्शाता है। तो ये एक साइंटिफिक पैटर्न था, ये सिस्टम था जिस चीज़ को मैं जानना चाहता था। करते 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 एक दिन अचानक मैं देख रहा हूँ कि मुझे अपने से ही ख्याल आया, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, यहाँ से तो मुझे तो मैं तो कंपोज़र बनूंगा ही ईश्वर की कृपा से, जो ये सारे कह रहे हैं इतना है ईश्वर की देन मुझ में, लेकिन मेरा संतूर कहाँ पहुँचेगा, कहाँ तक? ऐसा तो नहीं हो कि मैं चमक दमक में ही ड्रिफ्ट अवे हो जाऊँगा, हॉलीवुड पहुँच जाऊँगा तो यहाँ सारा खाली रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो सोच भी ईश्वर की ही देन थी। मैं वापस चला आया, फिर मैं फिर से श्रीनगर चला गया, वहाँ से फिर मैंने शुरुआत की दोबारा, क्योंकि अगर मैं हकीकतन वहाँ नहीं गया होता, जो रिच म्यूजिकल कल्चर ऑफ उस स्टेट का देख रहे हैं वो आप नहीं आपको मिलता। चंद दुने थी, चंद दुने फोक सॉन्ग्स, और उतना जो एक एबंडेंस में, जिसे आप कहिए कि एक क्वायर आ गया, ऑर्केस्ट्रेशन आ गई, नई नई मेलोडीज आ गई, सारे सूफियाने का एक, सूफी राइटर्स का एक रिवाइवल हो गया, एक रिनेसांस जिसे कहते हैं उस पीरियड को, वो वहीं से शुरू हो गया, और वहीं से संतूर का जो मुझे करना था काम, वो यह बाद में हो पाया, अदरवाइज ये सारी चीज़ें रह गई होती। हाँ, पैसा ज़रूर आया होता, नाम ज़रूर आया होता, बहुत ज़्यादा नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे आप कहेंगे। पंडित जी संतूर के लिए बहुत कुछ करके गए, और निश्चित तौर पर इस सांस के लिए उनका जो योगदान है, संगीत के लिए उनका जो योगदान है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा ही एक योगदान है उनकी एकेडमी स मा प। हमने पंडित जी से पूछा था कि वो एकेडमी कैसे शुरू हुई और उसकी जो प्रगति है उससे वो कितना संतुष्ट है, कितना संतोषजनक है उनके लिए। उनका जवाब देखिए। सही दिशा में चल रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। और ये आइडिया भी मुझे
एक बड़े ही अजीब इंसिडेंट से आया जिसका मैं बयां करना चाहूँगा। मैं ऑल इंडिया रेडियो में था, डायरेक्टर प्रोग्राम्स, बहुत कम लोग जानते हैं, वो जानते हैं ये ब्रॉडकास्ट रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैं वहाँ था, स्टाफ पे था। तो इस डायरेक्टर प्रोग्राम्स मैं जब शेड्यूल करता था आर्टिस्टों के नेशनल प्रोग्राम्स, और ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट गा रहा है, लाजवाब, हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर में, दिल्ली पहुंचा ही नहीं जिंदगी में कभी। ये देखते 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 मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा ये लोग इनको कब सुनेंगे, वो तो गा रहे हैं और उनका अपना जिंदगी तो बीत जाएगी, ऐसी बात नहीं है, विदुषणों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों तक जो चीज़ पहुंचनी चाहिए वो कैसे पहुंचेगी, क्योंकि इतनी जिसे आप कहें ना कल्चरल वल्चर्स हैं यहाँ, आने नहीं देते लोगों को, आने नहीं देते। एक ही टोला ऑपरेट करता रह रहा था, एक ही टोला, वही हर महीने यही है, वही राग, वही कुर्ता, वही सेटअप, वही 10 लोग बैठे हैं गा बजा रहे हैं, पता नहीं क्या गा बजा रहे हैं, ईश्वरी जाने, वही 10-15 लोग अपने बैठे हुए। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को सेंसर नहीं करिएगा, ऑन एयर जाने दीजिएगा इसको, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन की एक, आप समझिए कि एक स्लैब था पूरे ट्रेडिशन पर। अगर मैं आपसे 10 आर्टिस्टों के नाम गिनाऊंगा, आपने सुने नहीं भी, देखा भी नहीं होगा, लेकिन उनका मकाम आप देखिए किस जगह है, उनकी आर्काइवल रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, आप रहे नहीं बेचारे, आप ये कहेंगे कि क्या बात है भाई इस आर्टिस्ट की, क्यों नहीं आया वो यहाँ, क्यों नहीं उसको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन दी, क्यों वो गरीबी में मर गया बेचारा, चंद आर्टिस्टों को सिखा के, चंद स्टूडेंट्स को सिखा के। एक दफ़ा बड़ा मुझे बहुत ही जोल्ट उस वक्त लगा जब मैंने किसी आर्टिस्ट को फ़ोन किया, मुझे बताया गया कि साहब उसकी डेथ हो चुकी है, जब वो सर्वाइव कर रहा था। किसी ने मुझे बोला नहीं साहब वो नहीं है, वो तो जिंदा है। तो मैंने फ़ोन नंबर करके उसको जब फ़ोन किया तो मैंने कहा कि मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, टेलिंग यू बिफोर मैन गॉड, वो रोया फ़ोन पर, बोला आज मुझे किसी ने 15 साल के बाद याद किया साहब। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप ऐसा कर लीजिए, आप गाइए जो चीज़ आपको चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो देता है, हर लिहाज से सपोर्ट करता है, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इदारे का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कल्चर को जिंदा रखने के लिए। फिर उनकी रिकॉर्डिंग हो गई और उम्र भी हो गई थी, तो मैंने उस वक्त मैं फिर वहाँ छोड़ छाड़ के आया और सामापा शुरू कर दिया। और पहला यही था कि मैं यूथ को पहले उठने तो दो, आपको यूथ तो आगे नहीं आने आ रहा रहा है, जो इस चीज़ को, इस पेशे को, इस प्रोफेशन को, इस विरसे को टेक ओवर कर रहे हैं, अगर वही आगे नहीं आएंगे तो जिंदा कैसे रहेगा, आपको डायनेमिज्म कैसे नज़र आएगा, चेंज ओवर कैसे नज़र आएगा। तो सामापा यहीं से शुरू हो गया। सामापा ये है कि जो सीनियर मोस्ट म्यूजिशियन है उनको इज्जत करे। सामापा ये है कि पुरानी पुरानी कंपोजिशन, रेयर रागास, उनको प्रेजेंट कर लें, उनके घराने के ट्रेडिशन को लोग सुने। यूथ सामने आए, सीनियर्स के साथ यूथ आए, और अलग अलग जगहों पे कर लें। तो हम यहाँ ऑपरेट करना शुरू कर दिया, और ईश्वर की कृपा ये थी कि मेरा बेटा अभय वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया। म्यूजिशियन तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कंपोजर तो बेजोड़ और संतूर प्लेयर बेजोड़ है इस उम्र का, लेकिन एक चीज़ होना कि दिल से किसी चीज़ को सराहना, ये विश्वास करना कि हम चले तो कारवां चले, ये ना कि मैं ही चलता जाऊं बाकी सारे बाढ़ में जाएं, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से यही हो गया कि आने लगे म्यूजिशियन। एक इंसिडेंट में आपको सुनाऊंगा कि प्रोग्राम इस्लामिक सेंटर में था, एक बहुत अच्छे सितार नवाज, नाम नहीं बताऊंगा ना ही उनके गुरु का नाम बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़े रहे हैं, उन्होंने जब हमने स्टेज पे बिठाया, सीनियर्स के लिए फेस्टिवल था, उन्होंने अपना सितार रखा और ये कहा कि दिल्ली में पहली दफ़ा बजा रहा हूँ पिछले 55 ईयर्स में। ये क्या है ये साहब, ये तो ट्रेजेडी है कि एक आर्टिस्ट, इतना नामी आर्टिस्ट, इतना काम किया हुआ, अब पहली दफ़ा बजा रहा है। वो ये एक आर्टिस्ट की फीलिंग नहीं है बल्कि बहुत सारों की है, 30-30 साल के बाद दिल्ली आ रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। तो ये जो एक सिस्टम में खामी आई है, जो इसमें एक आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं, सामापा उसके खिलाफ है। और सामापा ये है कि जो हमारे दूर दराज एरिया के बच्चे हों तो उनको प्रमोट कर लो, क्योंकि अगर कोई बच्चा कश्मीर से, कुपवाड़ा से आया है, अब ये एरिया है बॉर्डर एरिया, आप उसको एट पार लेंगे
यहाँ के किसी से, टैलेंट में उसके कम नहीं है पर उसके वसाइल ही नहीं है बेचारे के, उसके उसका जो सराउंडिंग है वो माहौल उसको वो प्रमोशन ही नहीं दे रहा है। अब उसको आपको तैयार करना है, वो तो तैयार तो किसी को तो करना पड़ेगा ना, सामापा वही करता है। और सामापा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक समझे कि एक रिवोल्यूशन है, और जो सबका है, ये हम सिर्फ हमारा इदारा नहीं है बल्कि ये सबका है और सभी की सजेशन और सभी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ हम ही इन्वॉल्व नहीं है। इस बातचीत में एक बार फिर हम विराम लेंगे। आपको याद दिला दें कि हम इस बार पंडित जी के साथ की गई एक पुरानी बातचीत आप तक लेकर आए हैं। फिलहाल ब्रेक, कल रात फिर जुड़िएगा एक बार 9 बजे और देखिएगा इस बातचीत का तीसरा और आखिरी हिस्सा।